दोस्तों इन्फिनिक्स ने आज सऊदी अरब में अपने न्यू स्मार्टफोन इन्फिनिक्स GT 20 Pro 5G को लॉन्च कर दिया। और दोस्तों मजे की बात यह है कि यह स्मार्टफोन आपको बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट में देखने को मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो में से बात करूंगा इसी इन्फिनिक्स GT 20 Pro 5G के बारे में कि आखिरकार इसकी कंफर्म स्पेसिफिकेशन क्या कुछ रखी गई है, इंडियन मार्केट में यह स्मार्टफोन कब तक आएगा तो क्या कुछ प्राइसिंग हमें देखने को मिल सकती है। और दोस्तों इसके प्रोसेसर में जो यहाँ पे रैम टाइप एंड स्टोरेज टाइप यूज हुआ है उसको लेकर बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन है कि क्या कुछ यूज करा गया है, एंड प्राइसिंग को लेकर भी बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन है कि सऊदी अरब में क्या प्राइसिंग रखी गई है, फिर ये इंडियन मार्केट में आएगा तो क्या कुछ प्राइस सेगमेंट पे आ सकता है। तो सारी जानकारी के लिए बस आप इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे इन्फिनिक्स GT 20 Pro 5G के जो है एक बार स्पेसिफिकेशन के बारे में बातें कर लेता हूं। तो दोस्तों यहां पे जो है आपको 6.78 इंच का एक फुल HD प्लस वाला फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जहां पे आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लाकर दिया गया। ध्यान दीजिएगा इस बार इन्फिनिक्स ने एक जंप लगाया है और यहां पे 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमें प्रोवाइड कर रही है, जो कि अच्छी बात है। हां, यहां पे कोई भी कर्व डिस्प्ले वगैरह देखने को नहीं मिलता है, बट अगर हम यहां पे देखें तो ये एक गेमिंग स्मार्टफोन ही वाला है, तो गेमिंग स्मार्टफोन को देखते हुए फ्लैट डिस्प्ले अच्छा होता है। सामने की तरफ जो है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, जो कि पंचोल स्टाइलिंग के साथ में आता है, अच्छी बात है। यहाँ पे वाटर ड्रॉप वगैरह नहीं दिया है, पंचोल दिया और 32 मेगापिक्सल का दिया, ये भी अच्छी बात है। बैक की तरफ जो है 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, जो कि ऑप्टिकली इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ में आता है, यही बस एक अच्छी बात है, क्योंकि सेकेंडरी और थर्ड कैमरा है 2-2 मेगापिक्सल का, जिसका ये कोई भी यूज नहीं होता। तो हम कह सकते हैं सेकेंडरी और थर्ड कैमरा बस नाम के लिए, ऐसे ही मार्केटिंग गिमिक के लिए चिप दिया गया है जो कि यूजलेस है। बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो 5000mAh की बैटरी है, जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आता है, एंड यहाँ पे आपको 45 वॉट का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाता है। चलो ये भी अच्छी बात है, बैटरी डिपार्टमेंट में भी अच्छा काम करा गया है, मतलब बहुत ही अच्छा है, फिर बहुत ही बुरा नहीं बोल सकते हैं, ठीक ठाक एवरेज सा काम करा गया है। प्रोसेसर की बात करें तो मीडियाटेक की तरफ से डायमेंसिटी 8200 चिपसेट देने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, नो डाउट पावरफुल चिपसेट है, एंड यहाँ पे आपको LPDDR 5X वाला रैम टाइप एंड UFS 3.1 वाला स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 5X वाला रैम टाइप है, एंड स्टोरेज टाइप UFS 4.0 नहीं, यहाँ पे है UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। एंड यहाँ पे जो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि AMOLED डिस्प्ले यूज कराया गया तो उसका भरपूर फायदा उठाया जाएगा। हाँ, 3.5mm जैक मिसिंग है, 3.5mm जैक मेरे अकॉर्डिंग देना चाहिए था, क्योंकि इन्फिनिक्स जैसा इसको पोर्ट्रे कर रही है कि गेमिंग स्मार्टफोन है, तो 3.5mm जैक तो होना चाहिए था, बट नहीं, यहाँ से मिसिंग है। खैर, डुअल सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, डुअल स्पीकर भी देखने को मिल जाता है, एंड ये स्मार्टफोन जो है XOS 14 पे रन करता है, जो कि आपको एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको 2+3 का अपडेट देखने को मिलेगा, मतलब एंड्रॉइड 16 तक के अपडेट इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेंगे, उसके बाद भी एक साल और आपको यहाँ पे सिक्योरिटी अपडेट का मतलब अपडेट देखने को मिलेगा, सिक्योरिटी पैच का अपडेट। तो ये रही स्पेक्स की कहानी यहाँ पे इन्फिनिक्स GT 20 Pro 5G की। अब दोस्तों प्राइसिंग के बारे में बात करें तो सऊदी अरब में ये स्मार्टफोन जो है 2 वेरिएंट में लॉन्च करा गया है, जहाँ पे इसका बेस वेरिएंट है वो यहाँ पे देखने को मिलता है हमें 8GB रैम प्लस 256GB इंटरनल स्टोरेज, जो कि अगर हम यहाँ पे सऊदी अरब की करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ करेंसी है SAR, वहाँ पे उसकी प्राइसिंग जो है रखी गई है 1999 SAR, जिसको अगर हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो वो निकल करता है तकरीबन यहाँ पे 29,000 रुपीज। घबरा नहीं है, इंडियन मार्केट में आपको 29,000 प्राइसिंग देखने को नहीं मिलेगी, इंडियन मार्केट में आपको इसकी प्राइसिंग जो है अप्रॉक्सिमेटली 20-22,000 के आसपास देखने को मिलेगी, 20-22,000 के आसपास देखने को मिलेगी। और मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बैंक ऑफर्स के बाद ये स्मार्टफोन आपको अंडर 20,000 तो आ ही जाएगा। और इंडिया लॉन्च करें बात करूँ तो आप मान कर चलिए कि अगले 1-1.5 महीने के अंदर हमें इंडियन मार्केट में ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। और हाँ, इंडियन मार्केट में जब आएगा तो बेस वेरियंट आपका 8+256 होगा, बट एक और हाइयर वेरियंट देखने को मिलेगा जो कि 12+256 होने वाला है। बट हाँ, प्रोसेसर वगैरह देखा जाए यहाँ पे तो अच्छा काम करा गया है, जो एक गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे 20,000 के प्राइस रेंज में, उनके लिए एक अच्छा स्मार्टफोन होने वाला। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर आपको इन्फिनिक्स ब्रांड से कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक पावरफुल स्मार्टफोन चाहिए था, पावरफुल स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, तो आप इसके लिए वेट कर सकते हैं, ये एक अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है, जो कि अगले 1-1.5 महीने के अंदर हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगा। खैर, यही सब जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहता था इन्फिनिक्स GT 20 Pro 5G से रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही एक और नए वीडियो में, मिलते हैं, हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप अ स्माइलिंग। बाय बाय।